विगत दिनों बागेश्वर उपचुनाव में कवरेज करने गए पत्रकार के साथ हुई अभद्रता को लेकर पत्रकार संगठनों में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर मसूरी के पत्रकार संगठनों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि बागेश्वर उपचुनाव में पत्रकार के साथ अभद्रता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन मसूरी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पत्रकार की आईडी और माइक छीन लिया गया वो निंदनीय है और ये चौथे स्तंभ पर कुठाराघात है। हमारे साथी हैं मोहन गंदुरा, तो वो अभी बागेश्वर जो उपचुनाव है उसमें कवरेज करने के लिए गए हैं और कल जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा उनके सामने अभद्रता की गई है, हम श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के माध्यम से उसकी घोर निंदा करते हैं। और जिस तरीके से उनकी माइक और आईडी छीना गया है ये बिल्कुल ही निंदनीय है, क्योंकि माइक और आईडी हमारा पत्रकारों का सम्मान होता है और जिस तरीके से पत्रकारों के सम्मान के साथ वहाँ के प्रशासन द्वारा खिलवाड़ किया गया है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। आज हमने उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमने कहा है कि ऐसे जो अधिकारी हैं जो पत्रकारों को जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उनके साथ ऐसा निंदनीय कार्य करेंगे उनके खिलाफ घोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतुखंडी भूषण से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने योजनाओं से संबंधित 21 प्रस्ताव स्वीकृति के लिए मंत्री को सौंपे। विधानसभा अध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री को कोटद्वार में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोटद्वार में बाढ़ से पुल पुलिये सड़कें तटबंध काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके पुनर्निर्माण हेतु युद्ध स्तर पर कार्य करने होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बाढ़ प्रभावितों को और बाढ़ से हुए नुकसान के सर्वे करने पर तुरंत मुआवजा देने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में बड़ी संख्या में आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, जमीन से संबंधित और अन्य समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। अधिकांश जन समस्याओं और शिकायतों का उन्होंने मौके पर समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान तेजी से हो, इसके लिए जिलाधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में 2 घंटे जन समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने देवभूमि फोटोग्राफर फर्स्ट उत्तराखंड फोटो फेयर का शुभारंभ किया। इसके साथ ही महानगर अध्यक्ष ने सभी फोटोग्राफरों की खींची गई तस्वीरों की प्रशंसा की और कहा कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि में अनेक ऐसी धरोहर हैं जिनके चित्रों से हम लोगों को प्रसार प्रसारण करना चाहिए ताकि हमारे उत्तराखंड में पर्यटकों की रुचि बढ़ सके। भारत में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के उन्मूलन को लेकर कई सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसके तहत टीबी के मरीजों का निक्षय कार्ड बनता है, जिससे कि उन्हें पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मुफ्त में दवाएं मिल सकती हैं। साथ ही वैसे मरीज जो अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले हैं वैसे लोगों को डॉक्टर, नर्सेज और कर्मचारियों से गोद लिया जाता है। देखिए, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले जहां हम टीबी को कंट्रोल करने की बात करते थे, अब उन्मूलन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें सभी अस्पतालों में ये टीबी की जांच और टीबी की दवाइयाँ सब निशुल्क दी जाती हैं और अगर किसी वजह से मरीज को भर्ती करने की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग निशुल्क ही करते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की गिरफ्तारी के बाद से अब कांग्रेस सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसवानी का कहना है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, क्योंकि प्रशासन और पुलिस का ये कहना है कि प्रदेश में अशांति फैलाने की आशंका पर गिरफ्तारी की गई थी, जो कि एकदम आनन फानन में हुई और ये एकदम गलत है। ये किसी को भी सिर्फ आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना उचित नहीं होता है। बहुत ही हास्यास्पद तर्क एक तो प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है गिरफ्तारी को लेकर कि अशांति फैलाने की आशंका थी। केवल आशंका की बिना पर आप आनन फानन में इस तरह से लोगों को बिना संबंध के गिरफ्तार करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ये यूपी और बिहार बन जाएगा। और वहीं आप देखिए कि अब मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान उल्टा कांग्रेस पर प्रहार बोलते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। अरे, अगर तुम्हारी सरकार का इसमें हाथ नहीं है गिरफ्तारी में तो ये तो और भी गंभीर बात है कि मुख्यमंत्री की नॉलेज के बिना या सरकार की नॉलेज के बिना एजेंसियां अपनी मनमानी कर रही हैं। सेलाकुई देहरादून एम्बर एंटरप्राइजेज ने थाना सेलाकुई पर लिखित तहरीर दी कि कंपनी के स्टॉक निरीक्षण के दौरान स्टोर से तांबे की एसी में लगने वाली तार के 4 बड़े बंडल पाए गए, जिस पर उनके ओर से कंपनी के स्टोर की बारीकी से निरीक्षण किया गया। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास थाना क्षेत्र में आने और जाने वाले आसपास के संवेदनशील स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हुए गहनता से जांच की। इस प्रकार की चोरी की घटनाओं में जेल गए अपराधियों का सत्यापन किया गया तो मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के सारना नदी से किनारे से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एसी में लगने वाले 156 किलोग्राम तांबे का तार बरामद हुआ।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान हरिद्वार में लोकसभा चुनाव समेत अन्य चुनावों की तैयारियों की नब्ज टटोलेंगे। पार्टी ने नड्डा के दौरे के बहाने प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित की है। इस बैठक को नड्डा संबोधित करेंगे।